मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, जबलपुर, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। पॉजिटिव केसेस की बढ़ती हुई संख्याओं को देखकर लिया जा सकता है फैसला, जनता से की सावधान रहने की अपील। सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो वो काम करते हुए मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हम निश्चिंत ज्यादा हो गए। हम ये मान बैठे हैं कि अब कोविड है ही नहीं, कोविड खत्म हो गया। कोविड खत्म नहीं हुआ, वायरस अभी मौजूद है, इसलिए हमने सावधानी नहीं रखी तो फिर से हम चपेट में आ सकते हैं। और अभी हमने देखे महीने भर से लगातार केस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते हुए केस हमारी चिंता का विषय है। मैं पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ जनता जनार्दन से कि सावधानी में सुरक्षा, ये मास्क मत लगाइए। मास्क ही गारंटी है कोविड के संक्रमण से बचने की। और इसलिए मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर इंदौर वासी, भोपाल वासी, जबलपुर में भी केसेस बढ़े, ग्वालियर में भी केसेस बढ़े, उज्जैन में बढ़ रहे हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, कई जिलों में केसेस की संख्या बढ़ी है। और इसलिए जरूरी है कि मास्क अवश्य लगाएं। हमने जनजागरण अभियान भी चलाने का फैसला किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने निर्देश दिए कि मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा तो रोका टोकी करे, कुछ जगह जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और ये सब है जनता के लिए, अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बड़े संकट में पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अब लॉकडाउन फिर से लगाने की स्थिति पैदा हो, लेकिन जहां पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं हमको फिर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम भी उठाने पर बात होना पड़ेगा। बड़े समारोह ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। बिना सावधानी के हम अभी कोविड से नहीं बच सकते।